मुंगेर एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बिहार सरकार पर जमकर बरसे। कहा, बिहार में चल रहे जंगल राज और बिहार में विकास हुआ ठप, इसके विरोध में जनसहयोग से आंदोलन चलाएगी भाजपा। साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा देश में चलाए जा रहे विकास कार्यों की गिनती गिनाई। दरअसल मुंगेर एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जहां तेजी से विकास कर रहा है, तो वहीं बिहार में डबल इंजन वाली सरकार में विकास बिल्कुल ठप है। यहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है और जंगल राज है। किसानों तक केंद्र प्राइवेट योजना नहीं पहुंचा पा रही है, जंगल राज कायम है। हर घर नल का जल योजना भी सभी घरों तक नहीं पहुँच पा रहा है। ऐसा लगता है कि अवैध शराब का कारोबार करने वाले और अवैध खनन करने वाले माफिया सरकार चला रहे हैं। प्रदेश की बदहाल स्थिति पर जनता में असंतोष है, जनता समय का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि जन समस्या तथा सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में आम जनता के साथ मिलकर आने वाले दिनों में आंदोलन करेंगे। साथ ही केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा देश में चलाए जा रहे विकास कार्यों की गिनती गिनाते हुए कहा कि आज कृषि का बजट 1,23,000 करोड़ है, जबकि वर्ष 2014 में कृषि बजट मात्र 23,000 करोड़ था। प्रधानमंत्री ने देश के 45 करोड़ गरीबों का बैंक अकाउंट खोलकर DPD के माध्यम से राशि भेजने का काम किया है। देश के 11 करोड़ किसान के खातों में 2,40,000 करोड़ रुपए भेजा गया है। वर्ष 2014 में देश भर में जहां 74 एयरपोर्ट था, आज एयरपोर्ट की संख्या 152 हो चुकी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार देश विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा बिहार की सभी 40 सीट पर विजयी घोषित होगी। इसके लिए भाजपा कोर कमेटी की बैठक कर रही है तथा लोकसभा के मंडल अध्यक्षों की बैठक रणनीति तैयार की गई। जन समस्याओं को लेकर आम जनता के साथ जन आंदोलन करने की रणनीति कोर कमेटी की बैठक में तैयार हुई। मौके पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राम सागर सिंह, मुंगेर विधायक प्रणव कुमार सहित सभी लोग मौजूद थे। के बिलों को भी बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। पहले वादा किया था, लेकिन आज बिजली के बिल है वो जब बिल के हाथ देते हैं तो उसमें करंट महसूस होता है। इस तरह से बिजली की बात करें या अवैध खनन वाले लोग इस सरकार को जैसे चला ही रहे हैं। अवैध खनन का बड़े स्तर पर इस बिहार के अंदर काम चल रहा है और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी बहुत बड़ा काम जिस तरह से हो रहा है और सरकार का संरक्षण उनको मिल जाता है और उसके बाद में यहाँ से लोग NOC लेकर और दूसरे प्रदेशों के अंदर भी पहुँच जाते हैं। तो ये जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के किसानों के सामने टोपोलैंड की समस्या है, जिसका वादा यहाँ की सरकार ने किया था लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं कर पाए। और जहाँ तक बात है यहाँ पर जो बाढ़ जिला है उसको जिला बनाने की लंबे वर्षों से मांग चल रही है, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार जी जब यहाँ से विधायक थे उस समय उन्होंने वादा किया था जनता से कि मैं इस जगह से इस जिले को जिला बनाऊंगा, लेकिन आज दिन तक वो जिला बना नहीं पाए और आज भी यहाँ की जनता है वो इंतज़ार कर रही है कि जिला कब बने। ऐसे ही जैसा कि यहाँ पर जिस तरह से गुंडा राज है, गुंडों को इनकी पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग होना, उसके बाद में उनको लाभ देने वाले पदों पर पहुँचाना, पर इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये जिस तरह से बन रही है स्थिति प्रदेश के अंदर, इसको लेकर जनता में आक्रोश है। बिहार की जनता इंतजार कर रही है कि कब यहाँ पर चुनाव आए और ऐसे जो निरंकुश सरकार है, जो वादे किए उन वादों को पूरा नहीं करने वाली ये सरकार, इसको समय जब आएगा तो उसका इंतज़ार कर रही है। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी है वो निश्चित रूप से आम जन के साथ है और इसके लिए जो भी हमारी यहाँ की स्थानीय समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर बड़े स्तर पर हम सब आंदोलन भी करेंगे। इस बहरी गूंगी और जो भ्रष्ट सरकार है, जो निरंकुश सरकार है और जो कि तुष्टिकरण की नीति के आधार पर चलने वाली ये सरकार है, चाचा तुष्टिकरण कर रहे हैं, यहाँ पर दंगे हो रहे हैं, अन्य प्रकार से जिस तरह से यहाँ का अपराधी जिस तरह से खुलेआम घूम रहा है, तो ये सब को लेकर आने वाले समय के अंदर इस बहरी गूंगी सरकार को दांत खट्टे करने का काम करेंगे। जनता के साथ में खड़े होकर बड़े आंदोलन भी करेंगे ताकि आने वाले समय के अंदर इस सरकार को पता चले कि जो वादा खिलाफी करती है उस सरकार को कभी जनता है वो जवाब भी देती है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर आज जो बैठक हमारी हुई है जिसमें कोर कमेटी के सदस्यों की हमने बैठक की और उसके बाद में लोकसभा के जो हमारे सभी मंडल अध्यक्ष और अन्य जो पदाधिकारियों के साथ में बैठक हुई, उस बैठक में हमें आने वाले समय के अंदर हमने निर्णय लिए
कि हमें किस तरह से इस सरकार को घेरना है और संगठन की दृष्टि से भी हम किस तरह से नीचे तक जाकर जनता से रूबरू हुए। तो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है और वो निश्चित रूप से जनता को साथ में लेकर और आने वाले वक्त के अंदर इस प्रदेश का विकास, जिस तरह से देश का विकास हो रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, विश्व स्तर पर जिस तरह से भारतीय पहचान बनी है और विकसित भारत की हम जब बात कर रहे हैं, तो ऐसी सरकार यहाँ पर आने वाले समय के अंदर डबल इंजन की सरकार बनी, यानी कि आने वाले वक्त के अंदर यहाँ पर पहले लोकसभा के चुनाव के अंदर हमारी 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से जनता का मानस के अनुसार आने वाली है और साथ ही आने वाले विधानसभा के चुनाव के अंदर भी यहाँ पर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जनता के साथ में खड़े रहकर और इस निरंकुश सरकार को जवाब देने के लिए आज भी इस बैठक के अंदर हमने रणनीति बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव में सर अब एक साल से भी कम समय, पिछली बार भी वो जब जीते थे तो भारतीय जनता पार्टी साथ में थी इसलिए वो जीत गई और आम जन के अंदर भी जब चर्चा हुई कार्यकर्ताओं से यही बात होती थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सीधे प्रत्यक्ष होते तो हम उत्साह के साथ में वोट देते, लेकिन आज जो हम वोट दे रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं। उस समय को जो वोट दिया था वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर इन्होंने वोट दिया था क्योंकि नरेंद्र मोदी जी देश की जनता के दिलों में बचे हुए हैं और आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी जब यहाँ से चुनाव लड़ेगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से जीतेंगे और इनके कामों को तो राज्य सरकार जिस तरह से ये आज आंदोलन की लोग तैयारी कर रहे हैं, सड़कों पर लोग हैं, क्राइम इतना बढ़ चुका है, बिहार तो जंगल राज बना हुआ है और इन्हीं के हाथों में वापस यहाँ की जनता निश्चित रूप से उनको लोकसभा के अंदर नहीं भेजेगी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का 2014 में सर जिस तरह से जीवी के डेटा हैं, आज पहले हम मिस कॉल करके अब और जिस तरह से बात करते थे पैसा जिस तरह से लगता था, लेकिन आज वही मोबाइल है जिसको एक महीने के लगातार जिस तरह से सिर्फ कम पैसे देकर और उसको पूरे महीने तक यूज़ किया जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि देश के अंदर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जब देश आगे बढ़ रहा है तो उसमें राज्यों के सहयोग के बिना यह संभव नहीं होता है। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो सभी के प्रयासों से आने वाले 2047 के अंदर भारत विकसित राष्ट्र बने इसके लिए सबके सहयोग के से अपेक्षा की जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से बिहार जिस प्रदेश में मैं अभी बैठा हूँ, बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी देखा जाए तो यहाँ पर भारत सरकार की जो योजनाएं वो नीचे तक नहीं पहुंच रही है, जिससे कि किसानों को ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी में निर्णय होगा, इस पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये तय है कि आने वाले समय में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा।